नमस्कार, मैं पूनम पांडे, प्रवक्ता केसीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन मोहनलालगंज कुशनी। आज मैं फोर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तो आइए हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। मनुष्य स्वभावतः किसी परेशानी या समस्या आने पर व्याकुल हो जाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए शांति शिक्षा की अवधारणा का उदय हुआ, जिससे मानव के इस व्याकुलता को कम किया जा सके। एडवर्ड बैटी के अनुसार हमारी आत्मा में विकार है, मस्तिष्क में नहीं, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बैटी के इस कथन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा तीनों के स्वाभाविक सामंजस्य के निर्वाह से ही व्यक्ति और राष्ट्र सुखी हो सकते हैं। शांति शिक्षा की अवधारणा सदैव से ही व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक शांति से संबंधित रही है। शांति शिक्षा के अर्थ की बात करते हैं तो डॉक्टर मर्सी अब्राहम ने कहा है कि शांति शिक्षा शांति प्रिय लोगों के लिए शिक्षा है, जो कि इस पृथ्वी पर शांति कायम करने के योग्य होंगे। उदाहरण के लिए हम भावनात्मक देखते हैं, भावना को देखते हैं, धर्म को देखते हैं और समाज को देखते हैं। समाज को इसलिए कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है, समाज में वह किस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। शांति शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का आधार प्रस्तुत करती है तथा समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, अन्याय, असमानता, विवाद एवं कलह को समाप्त करती है। तो शांति शिक्षा के लिए अन्याय, असमानता, विवाद एवं कलह को समाप्त करते हुए हमने इसकी अवधारणा को आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आइए इनके रूपों को हम बोर्ड के माध्यम से आपको बताते हैं। शांति शिक्षा के जो रूप हैं वो चार प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। सर्वप्रथम इसमें शांति शिक्षा युद्ध के विरुद्ध शिक्षा है। शांति शिक्षा में यह ज्ञान दिया जाता है कि हम कभी युद्ध जैसी घटनाएं समाज में न करें। दूसरा है शांति शिक्षा स्वतंत्रता या मुक्ति प्रदान करती है। शांति शिक्षा मनुष्य में मुक्ति और स्वतंत्र होने की अवधारणा को प्रस्तुत करती है। तीसरा है शांति शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है। शांति शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम परिवार में अपने बड़ों से सीखें। हमारे बड़े जो होते हैं, किसी बड़ी से बड़ी घटना को कितना विवेकपूर्वक उसको सुलझा लेते हैं। चौथे नंबर पे आता है शांति शिक्षा एक ऐसी जीवन शैली है जो शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना करती है। अगर हम अपने जीवन में शांति शिक्षा को धारण करते हैं, शांति शिक्षा को अपनाते हैं, तो इससे हमारा राष्ट्र ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी हमारा जो संबंध होंगे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र का शांतिपूर्वक होंगे। शांति शिक्षा के रूप को जानने के बाद अब हम उसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम इसमें हम विद्यार्थियों को पहले बताएंगे मानव जीवन में शांति का महत्व समझना, समझाना, जिसे वे अपनी जीवन शैली में सम्मिलित कर सके। दूसरा है विद्यार्थियों में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनमें हम आध्यात्मिक मूल्यों का विकास मूल्यों के बारे में बताएंगे। जैसे सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए और अपने अपने धर्म का भी सम्मान करें और सभी के धर्मों का भी। तीसरे नंबर पे विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। तीसरे नंबर पे जो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, यहाँ क्या है, अपने राष्ट्र के साथ साथ हम दूसरे राष्ट्र की भी इज्जत करें
और उनमें उनके लिए शांति के बारे में सोची और भ्रातृत्व की भाईचारे की बात की। चौथे नंबर पे है विद्यार्थी को उचित अनुचित एवं न्याय अन्याय के विषय में जागरूक करना। हम अपने विद्यार्थी को बताएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, किस प्रकार हम कार्य करें ताकि समाज में, राष्ट्र में और देश में शांति स्थापित हो सके। पांचवे नंबर पे विद्यार्थी को युद्ध, हिंसा, संघर्ष आदि के परिणामों से अवगत कराना। हम उनको युद्ध न करने के बारे में बताएं, हिंसा न भड़काने के बारे में बताएं, ताकि वो ये समझे कि हिंसा करने से इसका क्या परिणाम हमारे जीवन में हो सकता है और हम किन किन सजा के अधिकारी हो सकती हैं और इसका हमें क्या किन परिणाम से गुजरना पड़ेगा। आज के लिए हम आपको जो शांति शिक्षा एवं सतत विकास की जो क्लास है इतना ही। अगली क्लास के लिए हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें। धन्यवाद।